हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जो आपका पेपर कल होने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में 75 में से 75 अंक पूरे आ जाए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके कल एग्ज़ाम में दोस्तों आने के 90% चांसेस हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आएगा, कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आने वाले हैं, देख लेते हैं। निर्देशों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, तृतीय उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, गंगा नदी, महानदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मानव विकास, US डॉलर, सीमांत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों, हम आपको इसके सॉल्यूशन की PDF भी बताएंगे, आपको इसके सॉल्यूशन की PDF किस प्रकार से मिलेगी और किस प्रकार से आप इसके सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, 1992 में, 1994 में, 1991 में या फिर 1996 में। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ, बालकन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, डच, स्लाव, टाम टोल्स, इनमें से कोई नहीं। छठा क्वेश्चन दिया हुआ, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या था है, राजतंत्र, समानता व भाईचारा, शान चलाना, सत्ता का मौलिक वितरण। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ, सत्ता की साझेदारी रिक्त स्थान की आत्मा है। दूसरा दिया हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में रिक्त स्थान जनजातियाँ निवास करती हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, 100 दिनों की रोजगार योजना रिक्त स्थान को कहा जाता है। चौथा दिया हुआ, रिक्त स्थान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पाँचवा दिया हुआ, विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिक्त स्थान में होती है। छठा दिया हुआ, मानव विकास की रिपोर्ट रिक्त स्थान संस्था जारी करती है। दोस्तों, अगर आप इसके सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहती हैं, तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसके PDF डाउनलोड कर पाएंगे, आपको वहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया, सही जोड़ी मिलाइए, एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है, तो खंड आ में दिया हुआ सब नंबर एक पर सबसे कम साक्षरता या राज्य। दूसरा दिया हुआ, एकात्मक शासन व्यवस्था। तीसरा दिया हुआ, ब्रुसेल्स। चौथा दिया हुआ, रॉलेट एक्ट। पाँचवा दिया हुआ, यंग यूरोप। छठा दिया हुआ, टिहरी बांध। खंड बा में दिया हुआ, उत्तराखंड, बिहार, 1919, 1833, बेल्जियम, श्रीलंका। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। दूसरा दिया हुआ, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा दिया हुआ, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। चौथा दिया हुआ, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। पाँचवा दिया हुआ, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था। छठा दिया हुआ, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ, सत अथवा सत चयन करके लिखिए, भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। दूसरा दिया हुआ, भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है। तीसरा दिया हुआ, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। चौथा दिया हुआ, यहाँ पर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है। पाँचवा दिया हुआ, श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति 2009 में हुई। छठा दिया हुआ, मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए, 2 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ, जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएँ बताइए, तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता हो, उसका आंसर आपको अपने एग्जाम में लिख देना है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय, अथवा में दिया हुआ है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं।
आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है विचारधारा का आशय समझाइए। अथवा में दिया हुआ उदारवाद का अर्थ बताइए। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है। अथवा में दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी। अथवा में दिया हुआ है 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या आम थी। ग्यारहवां क्वेश्चन दिया हुआ श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। तो दो दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हुए आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न के। बारहवां क्वेश्चन दिया हुआ मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। अथवा में दिया हुआ यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तेरहवां क्वेश्चन दिया हुआ जीवन प्रत्याशा क्या है। अथवा में दिया हुआ है मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। चौदहवां क्वेश्चन दिया हुआ है मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से। अथवा में दिया हुआ है ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। पंद्रहवां दिया हुआ क्वेश्चन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। अथवा में दिया हुआ है भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। सोलहवां क्वेश्चन दिया हुआ है मृदा का लवलीकरण से क्या आशय। अथवा में दिया हुआ है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर। सत्रहवां क्वेश्चन दिया हुआ है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। अथवा में दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 18 से आपके लघु उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो लघु उत्तरी प्रश्न 3 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 18वां दिया हुआ है क्वेश्चन प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। अथवा में दिया हुआ है छिपी बेरोजगारी से क्या आप समझते हैं। आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। अथवा में दिया हुआ है हमें भारत में ऋण की औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। अथवा में दिया हुआ जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। अब दोस्तों यहाँ से आपके 21 से लेकर 23 तक के आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए गए 4 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा। अथवा में दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया हुआ है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइए अपने एग्जाम में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।